आपके साथ नहीं जाऊंगी भाभी। कैसी बातें कर रही है तू? आज करवा चौथ है, आज के दिन तो हर औरत अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है, और तूने व्रत नहीं रखा। आपके इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं भाभी। लगता है अजय से कोई तेरी खटपट हो गई। लेकिन पगली, नाराजगी का मतलब ये नहीं कि तू अपने संस्कारों को भूल जाए। सच पूछ तो मेरा व्रत भी अजय के दम से है। अगर वो तेरे भैया की जिंदगी नहीं बचाता तो शायद तेरी भाभी के शरीर पर सुहाग का जोड़ा नहीं होता। तुझे तो गर्व होना चाहिए कि तुझे पति नहीं देवता मिला है, देवता। अरे ये इस बात हम इस छोकरी को दिन रात समझाता है कि इसका आदमी ग्रेट है, नसीब वाले को ऐसा आदमी मिलता है। कम ऑन बेबी, अब तुम तैयार हो जाओ। तुम प्लीज मिस्टर डेविड, मेरे साथ जबरदस्ती मत कीजिए प्लीज। ये तुझे क्या हो गया है सुधा? मैंने कहा ना भाभी, मैं आपके साथ नहीं आऊंगी। लेकिन क्यों? ये मेरा जाति मामला है। ये तुमको क्या हो गया है सुधा? ऐसा ऐसा बात करता है क्या अपना भाभी से? और क्या गलत बात बोला वो? तुम्हारा धर्म में तो पति को भगवान मानता है। भगवान भगवान भगवान, जिसे आप लोग अपनी पलकों में सजाए बैठे हो, वो मेरी पूजा तो क्या किसी के नफरत के काबिल भी नहीं है। खिलवाड़ हुआ है मेरे साथ, खिलवाड़। चुटकी भर सिंदूर की जगह पाप के अंगारे और मंगलसूत्र की जगह अपने गुनाहों की रस्सी लपेटी है उसने। हे कुनी, हे कातिले, मांग भरी है मेरी, और अब कहते हैं इसे आदमी की लंबी उम्र के लिए व्रत रखूं मैं। अरे इससे तो अच्छा कि मैं अपना आपका गला घोट। नहीं सुधा, कह दे कि ये सब झूठ है। यही सच है भाभी, न जाने कितने लोगों के खून से हाथ रंगे उसके। और तो और भाभी, रवि का भी खून उसी ने किया। सुधा, हम तुम्हारा तकलीफ को समझता, क्योंकि हम भी ऐसा पेन से गुजरा। तुमको क्या लगता हम रात दिन ये डेविड डेविड काहे को करता? क्योंकि आज हमको हमारा गलती मालूम पड़ता कि हमारा डेविड का खून का जिम्मेदार हम है। हम उसको बहुत प्यार करता था। शादी के बाद जब हमको मालूम पड़ा कि हमारा डेविड एक क्रिमिनल था, वो जेल जा चुका था, हमारा प्यार नफरत में बदल गया। उसने हमको बहुत समझाया कि देखो हम ये रास्ता छोड़ दिया, अब हम क्राइम नहीं करता है। लेकिन हम उसके बाद का भरोसा ही नहीं किया। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही नफरत करता था हम उससे, जैसा आज तुम अजय से करता। लेकिन उसका अंजाम क्या हुआ मालूम? हमारा डेविड ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया हमारा डेविड ने, खाली हमको बताने का वास्ते कि अब उसने गुनाह का रास्ता छोड़ दिया है। तब जाके हमको अक्कल आया कि एक आदमी अखंड दुनिया से लड़ सकता है, मगर एक औरत का नफरत का आगे हार जाता है। नो बेबी नो, तुम हमारा माफी गलती मत करना। आज अजय को तुम्हारा प्यार तुम्हारा सहारे का जरूरत है। अगर तुमने उसको ठुकरा दिया तो उसका जिंदगी तो बर्बाद हो ही जाएगा, लेकिन तुम्हारा लाइफ में भी कुछ नहीं बचेगा। मान जाओ सुधा, अपना पति का वास्ते ना सही, उस मोटर मैकेनिक का लंबा लाइफ का वास्ते दुआ करो जो तुम्हारा होने वाले बच्चे का बाप है। Ah!
माँ को भवानी का भाई उठा के ले गया, उसका जान खतरे में है, तुम उसको बचाओ, हमारा फिक्र मत करो, ये सब है ना तुम। वाकई आपकी राजनीतिक बुद्धि को तो सलाम करना पड़ेगा। अरे इधर शिवा के हाथों पुराना सीएम शमशान पहुंचा और उधर आप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे होंगे। लेकिन भजन सिंह जी, आप इस पद पर बैठने के बाद आपके राइट और लेफ्ट के दोनों कुर्सियां हमारे लिए खाली छोड़ देना। अरे तुम लोग कुर्सी की बात कर रहे हो, मैं तो तुम्हारे लिए बेंच का इंतजाम करा दूंगा। बैठना है बैठ जाओ, लेटना है लेट जाओ। जी वाकई वही जुनून है अभी तक इसमें, लेकिन ठंडा पड़ जाएगा जब इसे पता चलेगा इसकी औरत कहाँ है। बोल कहाँ है मेरी बीवी, बोल। जिंदा है। हाँ अभी तक जिंदा है, लेकिन मौत उसके चारों तरफ गर्दिश कर रही है। देखना चाहता है वो मंजर। शिवा आगे नहीं जाना, इन तारों में इतना तेज करंट दौड़ रहा है ना कि इसे छूकर तो लोहा भी राख बन जाएगा। बीवी उस गोले में कैद है और तेरा होने वाला बच्चा उसकी कोख में कैद है। अगर तू चाहता है कि दोनों जिंदा रहे तो जाके उस सीएम को उसकी जिंदगी की कैद से आजाद कर।
सीएम साहब, सीएम साहब फौरन एम्बुलेंस बुलाओ। दिया ना तूने अपना असली रूप, उठा लिया ना हथियार, बहा दिया ना खून। तुझसे बड़ा मुजरिम तो आज मैं अपने आप को समझने लगा हूं। जो तुझे गिरफ्तार करने की बजाय तुझे आशीर्वाद दिया, भूल थी मेरी। जो मैं ये समझ बैठा कि एक मुजरिम के अंदर इंसान करवट ले रहा है, नहीं, आज तूने ये साबित कर दिया कि चोला बदल लेने से आदमी का चरित्र नहीं बदल जाता। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। क्या कर रहे हो? सॉरी सर, मैं मजबूर हूं। अभी प्राप्त हुए समाचार के अनुसार मुख्यमंत्री श्री एल के चौधरी पर किसी ने गोली चलाकर हत्या कर दी। इस हत्या के कारण शहर में सख्त तनाव फैल गया है। दुकानें बंद कराई जा रही है, बसों को आग लगाने और पथराव की कई घटनाएं भी हुई हैं। गृह राज्य मंत्री और पुलिस परिस्थिति को काबू करने की पूरी कोशिश कर रही है और कातिल की तलाश जारी है। पुलिस महानिदेशक का शहरियों से निवेदन है कि शांति बनाए रखें और पुलिस को सहयोग दें। हम सब यहां हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी के शोक समारोह में अपनी श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए जमा हुए। मैं जानता हूं कि आप लोग मुझे मुख्यमंत्री पद का भार सौंपना चाहते हैं, लेकिन मुझे इस बात की कोई खुशी नहीं है, दुख है इस बात का कि हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया और आज ये शहर आग और खून में बह रहा है। कौन है वो जो खून की होली खेल रहा है? किसकी नजर लगी इस देश को कि खून बहने का सिलसिला रुकता नहीं? हथियार वही है, बदलते हैं तो सिर्फ गोलियां चलाने वाले हाथ। वाह भजन सिंह वाह, शब्दों से खेलने की जादूगरी तो कोई तुमसे सीखे। साहिबान, ये आदमी जो आपके सामने देशभक्ति और एकता की बातें कर रहा है, दरअसल यही वो शख्स है जिसने मुझे मार डालने का षड्यंत्र रचा था। लेकिन शायद भजन सिंह ये भूल गए, मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। इन्होंने जिसे मेरी मौत का दूत बना के भेजा था, वही मेरी जिंदगी बचाने वाला फरिश्ता साबित हुआ। और आज मैं उस नौजवान को आपके सामने पेश करना चाहता हूं। अजय, सॉरी भजन सिंह, तुम्हारा सीएम बनने का ख्वाब अधूरा रह गया। मेरा ख्वाब अधूरा रह गया तो मैं तुमको भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। Oh,
घटनाओं की फाइल अभी तक कंप्लीट नहीं हुई शिवचरण, क्योंकि उसमें तेरा खून अभी बाकी है। मुख्यमंत्री साहब की जान बचाने और कानून का साथ देने के एवज में सरकार ने अजय